अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का बारे में कुछ कैंडिडेट्स डिटेल मंगा था, इसका बारे में बोलते हैं। लेकिन अभी पहले बताएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। फिर भी ये कैसे होगा इसका बारे में बता देंगे। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट करेगा। ग्रेजुएट लेवल में एक होगा, 12th पास लेवल में एक होगा, 10th पास लेवल में एक होगा। 12 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट करेगा। और अभी तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन RRB और IBPS के लिए तो यूज़ होगा, लेकिन नॉन गेजेटेड। बाद में ये अदर एग्ज़ाम को भी एक्सपेंड हो जाएगा। अभी हजारों सेंटर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा साल में 2 बार। और ये तो पहले लेवल है, फर्स्ट लेवल, प्रीलिम्स लेवल है। ये पास करने से तो इसमें जो स्कोर आप लेते हैं वो 3 साल के लिए आपको यूज़ होगा। इसको रख के आप मेन एग्जामिनेशन IBPS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कंडक्ट करेगा, उसमें आप लिख सकते हैं। और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ दिया नहीं है, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन होगा। जैसे एज रिलैक्सेशन है आपको शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप का, वो भी अलाउ हो जाएगा। इसमें एडवांटेज क्या है, बार बार एग्जामिनेशन नहीं लिखना, खाली साल में 2 बार लिखने से तो जिसमें से अच्छा स्कोर हुआ है वो रख के आप दूसरा हायर लेवल को अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू। पूरा डिटेल्स आएगा तो बताएगा।